बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपको मैथ्स की ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा, जिनसे आप मैथ्स क्विकली, जल्दी से, फौरन, बगैर कैलकुलेटर यूज किए आप सेकंड्स में जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि वो नंबर्स जो कि 5 पर एंड होते हैं उनका स्केयर हम कैसे लेते हैं। जस्ट लाइक 15 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, या इससे ऊपर 115 है, ठीक है, 125 है, जिनके एंड में 5 आता है उनका हम स्केयर कैसे लेते हैं क्विकली, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं 25 का स्केयर, 25 का स्केयर, ठीक है। 25 का स्केयर का मतलब क्या है? 25 × 25, 5 × 5 = 25 एंड 2 × 3 = 6, ठीक है, समझ नहीं आया ना, ठीक है। एक और देखें, 35 का स्केयर, ठीक है, 35 का स्केयर यानी 35 × 35, 5 × 5 = 25, 3 × 4 = 12, ठीक है। क्विकली, जल्दी से हो गया। अब ये आया कैसे, इसको जरा समझ लें। ये देखिए, ये 5 है ना, ये 5 को 5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 25, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, 2, इससे एक नंबर बढ़ा दें आप, ठीक है, क्या हो जाएगा, 3, यानी 2 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 3 = 6, जो भी यहाँ पर नंबर होगा, अगर यहाँ 3 है तो आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ पर 4 है तो आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 5 × 5 = 25 एंड 2 × 3 = 6, ठीक है, 6 × 25। इसी तरह ये 5 को हमने 5 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, 5 × 5 = 25 और 3 इसे एक नंबर बढ़ाकर 3 × 4 = 12, ठीक है, 3 × 4 = 12, ठीक है, हमारे पास आ गया 12 × 25, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास 55 है, उसका स्केयर हम लेना चाहते हैं, 55 × 55, क्या करेंगे, 5 × 5 = 25 और 5 को क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 6 = 30, ठीक है। क्विकली हमारे पास 2 डिजिट्स का स्केयर आ गया। अब बातों का ऐसा होता है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिसमें हमारे पास पॉइंट्स में वैल्यूज आ जाती हैं, जस्ट लाइक 3.5 या 5.5, 6.5, 7.5, इस तरह की वैल्यूज हमारे पास आ जाती हैं। उनका अगर हमने स्केयर लेना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और क्विकली अगर हमने उसको लेना है तो वो कैसे लेंगे, वो भी देख लेते हैं। 3.5 का स्केयर क्या मतलब हुआ इसका, 3.5 × 3.5, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 5 = 25, सिमिलर जिसने पहले हमने किया था, 3 × 4 = 12, पॉइंट एक डिजिट बाद है तो स्केयर में कितने डिजिट बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो 3.5 का स्केयर कितना आ जाएगा हमारे पास, 12.25, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास 4.5 का स्केयर आ जाता है, उसको भी हमने ऐसे सॉल्व करना है, 4.5 × 4.5, 5 को 5 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, कितना आ गया, 25 और 4 × 5 = 20, ठीक है। पॉइंट एक डिजिट के बाद है तो स्केयर में कितने डिजिट बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास मैथ्स हो गया, ये स्केयर हमारे पास आ गया 4.5 का और 3.5 का वेरी क्विकली, ठीक है। अब ये तो हो गए दो नंबर वाले। अब अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसा आ जाता है 115 या 125, इस तरीके से कोई नंबर आ जाता है जो कि 3 डिजिट्स नंबर है, उसका अगर हमें स्केयर करना होगा तो उसके लिए भी यही तरीकाकार है, आसानी से हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। 115 अ नंबर विच इज एंडिंग ऑन 5, ठीक है, 5 पर इसका एक्सपेक्टेड हो रहा है, तो 115 को क्या करते हैं, 115 से मल्टीप्लाई करते हैं। सिमिलरली 5 × 5 = 25, 11 × 12 = 132, ठीक है, 13,225, फौरी तौर पर इसका जो जवाब आ गया क्विकली। अब हम आते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि सारे नंबर तो 50 के ऊपर, 5 के ऊपर एंड नहीं होते ना, जिनके एंड में जो है वो 5 आ रहा हो, तो नंबर ऐसे भी होते हैं जिनके एंड में 2 आ रहा होता है, 3 आ रहा होता है, 5 आ रहा होता है, 7, जब कुछ भी आ रहा होता है, ठीक है, उनको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम वो नंबर देखते हैं जो 50 के करीब करीब है, 47 48 49 46 45 44, ये 50 के करीब करीब है जो 50 से कम है, और कुछ नंबर ऐसे भी होंगे जो 50 से ज्यादा है लेकिन 50 के करीब है, 51 52 54 55 56, इस किस्म के नंबर अगर आपके पास आ जाए तो उनका हम स्केयर कैसे मालूम करेंगे, ठीक है, ये आपको मैं इस ट्रिक में बताता हूं। जस्ट लाइक 48 का स्केयर, ये करने से पहले आपने एक काम करना है, एक नंबर अपने जहन में पक्का कर लेना है, दैट इज 25 25 25, एक ऐसा नंबर है जो आपने अपने जहन में बिल्कुल पक्का कर लेना है, 25 25 25, ठीक है, 50 वाले चक्कर में, ठीक है। तो 25 आपने जो है अपने जहन में फिक्स कर लिया, 25, ठीक है। अब हमें देखना है 50 से ये कितना कम है, 48, तो 50 से कितना कम है, ये 2 कम है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको 50 से ये 2 कम है तो 2 कम क्या ले लेते हैं, स्केयर ले लेते हैं, ठीक है, 2 का स्केयर कितना होगा, 4। अब 4 को आपने जो है वो 4 नहीं लिखना, 0 4 लिखना है, ठीक है, क्योंकि देखिए हमारे पास नंबर जो है 1 का स्केयर जो है वो कितना आता है, 1, 2 का स्केयर कितना आता है, 2, और 3 का स्केयर हमारे पास कितना आता है, 9,
ये वो नंबर है जिनमें वन का स्केल 01, टू का स्केल 04 और थ्री का स्केल 09। ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं, ये बात अपने जेहन में रखनी है, ये आगे आपकी काफी काम आएगी। ठीक है, तो टू का स्केल में कितना ले लिया 4। ठीक है, अब 25 में से कितना कम, 50 में से कितना कम था, ये दो कम था, 25 में से आपने दो माइनस कर दिया। ठीक है, तो बाकी मेरे पास कितना आ गया 23। ठीक है, ये 23, ये 48 का स्केयर आ गया। ठीक है, और देखें 47 का स्केयर देखते हैं। ठीक है, 47 देखें कि 47 जो है 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो 3 का स्केयर हमने लिया कितना आ गया 9, और वो 25 हमने लिखा हुआ था, 25 में से हमने 3 क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया 22। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया 2209। ठीक हो गया, एक और देख लें इसी तरीके से, 46 देख लें, 49 देख लें, जो आप करना चाहें। 46 का स्केयर 46 इंटू 46। ठीक है, 50 से कितना कम है 4, 4 का स्केयर कितना होगा 16, और 25 में से हमने क्या करना है 4 माइनस कर देना है। ठीक है, कितना आएगा 21। ठीक है, 21 से 16 इसका आंसर आ गया। तो बगैर कैलकुलेटर यूज किए फौरी तौर पर ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं दूसरा, कि अगर 50 से ज्यादा हो तो उस सूरत में क्या करना है, उसमें भी परेशान नहीं होना। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने माइनस किया है, तो वहां पर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, जितना वो ज्यादा होगा बस वो प्लस कर देंगे। 50 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लेते हैं। ठीक है, लेट्स से 53 का स्केयर। ठीक है, तो क्या करेंगे 53 इंटू 53। ठीक है, 50 से कितना ज्यादा है 3, 3 का स्केयर कितना हो जाएगा 9, और आप इसमें क्या करेंगे 3 ज्यादा है ना, तो 3 इसमें क्या करेंगे जमा कर देंगे, तो 25 और 3 कितना हो गया 28। ठीक है, ये 2809। ठीक है, इसका स्केयर आ गया बगैर कैलकुलेटर यूज किए। ये भी आपने जेहन में करना है, ये तो आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने जेहन में जो है आप सब कुछ सॉल्व करेंगे और फौरी तौर पर इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अब हम देखते हैं कोई और ले लें, 56 का स्केयर ले लें, 56 इंटू 56 कितना ज्यादा है 6 ज्यादा है, 6 का स्केयर कितना होगा 36, 25 और 6 31, 31 और 36। ठीक हो गया, और ले लें 52, 52 का स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, 52 का तो क्या होगा, 2 का स्केयर कितना होता है 4, लिखेंगे क्या 04, कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है, 25 और 2 27। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया 2704, बगैर कैलकुलेटर यूज किए विद इन सेकंड्स हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 3 की तरफ। अब ट्रिक नंबर 3 क्या है, अब आपके पास कोई नंबर आ जाता है जो ना तो 50 के करीब है, ठीक है, और ना ही जो है वो खत्म हो रहा है उसका 5 के ऊपर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी एक आसान सी ट्रिक है। ठीक है, जिसमें कोई भी नंबर ले लें, 26 है, 2 नंबर डिजिट्स हैं, अब 26 है, 37 है, 44 है, जो भी है, 26 का हम स्केयर ले लेते हैं, 26 का स्केयर। ठीक है, तो इसके लिए तरीके कार क्या होता है, 26 को 26 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 66 का कितना आ जाएगा 36, और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 22 का कितना आ जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि ये 26 है ना, 26 का स्केयर, इसको हमने क्या करना है, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 को 6 से और फिर उसको 2 से, 26 से 12, 12 2 सा 24, एक डिजिट छोड़ कर लिखना है यहां पर, ठीक है, ये 24, तो बाकी इनको इस तरह जमा कर लेंगे, 6 4 3 7 4 2 6। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इनको 2 से 12 2 से 24, और ये हमने इसमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो दो स्टेप्स में हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट अगर हम कोई ले लेते हैं और नंबर जस्ट लाइक 37 का स्केयर, तो क्या करते हैं 37 को 37 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 49, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 3 9, 3 7 21 21 2 42। ठीक है, ये इनको जमा कर लिए, 4 2 6 9 4 13। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से कोई और बड़ा नंबर ले लेते हैं हम। ठीक है, 81 82 85 86 88 जो भी है। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं 82 का स्केयर ले लेते हैं। ठीक है, 82 का स्केयर 82 इंटू 82, क्या करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 4, 4 को क्या लिखेंगे 04, 8 8 64। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, 8 16 32, एक डिजिट छोड़कर यहां पर लिखेंगे 32, इनको जमा कर लेंगे, 4 2 4 3 7 और ये 6 6 7 24। ठीक हो गया, अब हम चलते हैं ट्रिक नंबर 4 की तरफ, जो कि है जो नंबर 100 के करीब करीब है उनको अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो फिर कैसे करेंगे। अब दो इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 100 से कम भी हो सकते हैं, 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहले करते हैं 100 से ज्यादा वालों को, जिस तरह 103 है उसको मल्टीप्लाई करना है हमने 104 के साथ। ठीक है, अब इसका तरीका क्या है, इसका तरीकाकार ये कि देखना है कि ये 100 से कितना ज्यादा है और ये 100 से कितना ज्यादा है, तो ये देखा 103 है तो 100 से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है,
ठीक है, और ये 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो हमने इसको क्या किया, 4 को 3 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस में हमने इसको क्या करना है, ऐड कर लेना, या तो इसको इससे ऐड कर ले या इसको इससे ऐड कर ले, दोनों में से जिसको एक को मर्जी ऐड कर ले, आएगा आंसर सेम ही। 103 को 4 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107, या 104 में 3 जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 107। 10,712 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ आया, एक और देखिए, 104 को जरा देते हैं किसे, 102 के साथ, ठीक है। तो पहला काम क्या करना है आपने, कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है 100 से, ठीक है। 4 दूनी कितना हो गया, 8, 8 को क्या लिखना है, 08, इसमें क्रॉस में इसको इससे ऐड कर लें या इसको इससे ऐड कर लें, 104 में 2 जमा करें कितना देगा, 106, 10,608, ये इसका आंसर आ गया, समझ आ गया, गुड, अब समझ आ गया, ठीक है। एक और प्रैक्टिस करके देख लें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतना समझ आएगा, ठीक है। चीजें समझ आ जाती हैं जल्दी से, लेकिन फौरी तौर पर निकल भी जाती हैं, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो फिर ये चीजें समझ आएंगी। इसी तरह 102 को 104 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कर लिया हमने, कोई और ले लें, 104 को 106 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होगा कि कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 100 से 6 ज्यादा है, 4 को 6 से ज्यादा दिया कितना आ गया, 24, क्रॉस में ऐड कर लें, 104 और 6, 110, ठीक है, समझ आ गया, गुड। अब इसमें परेशान नहीं होना कि ये छोटे छोटे नंबर है, अब इसमें अगर बड़े नंबर भी आ जाए तो फिर भी कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। कोई बड़ा नंबर लेके देख लेते हैं, मसलन 110 को 114 से कर लेते हैं, 110 जरा 114, ठीक है, कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 14 ज्यादा है, ठीक है। 10 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 140, ठीक है, ये आगे 140, 140 आपने पूरा नहीं लिखना, क्या लिखना है, 40 लिखना है, और 1 आपने क्या करना है, कैरी ले लेना है, ठीक है, यहाँ पर कैरी आ गया, और क्रॉस में उसी तरीके से एडिशन कर लेनी है, 110 और 14, 124 और 1, 125, ठीक है, 125, 12,540 आंसर आ गया, ठीक हो गया, समझ आ गया, अच्छी ट्रिक है ना, अच्छा गुड। अच्छा अब हम देखते हैं कि ये तो वो नंबर थे जो 100 से ज्यादा थे, अब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जो 100 से कम है, ठीक है, उनको भी तरीकाकार क्या होगा, उसमें भी तरीकाकार यही है, ठीक है, होगा क्या देखते हैं। 97 को मल्टीप्लाई करते हैं 98 से कर लें, 99 से कर लें, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं 100 से कितना कम है, 100 से ये 3 कम है, 99 100 से कितना कम है, 1 कम है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 का 3, यानी 03 लिखेंगे, जो कि पहले हम बता चुके हैं। अब पहले क्रॉस में किया गया था, प्लस किया था, अब हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, 97 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 96 आ जाएगा, या 99 में से 3 माइनस करेंगे उस सूरत में हमारे पास क्या आएगा, 96 आएगा, ठीक है। तो फौरी तौर पर सेकंड्स में मल्टीप्लीकेशन होगी। कोई और नंबर करके देखें, 95 को 96 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, देखिए 100 से कितना कम है, 5 कम है, ये कितना कम है, 4 कम है, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 20, ठीक है, और क्रॉस में क्या करें, माइनस कर दें, 95 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 91, या 96 में से 5 माइनस कर दें उस रूप में भी क्या आएगा, 91 आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्विकली हो जाएगी विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम बढ़ते हैं अपनी लास्ट ट्रिक की तरफ। कोई भी नंबर अभी तो हमने किया इसके आसपास आ गया, इस पे एंड हो रहा है, इस पे ये हो रहा है, अब बालों का नंबर एक ऐसा आता है, कोई नंबर कहीं से आ गया, कोई नंबर कहीं से आ गया, एक शुमाल से आ रहा है और एक जो है वो जनूब से आ रहा है, कोई एक मशरिक से आ रहा है, कोई एक नंबर मगरिब से आ रहा है, इस तरह के नंबर आ जाएं उस सूरत में हम क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए भी हमारे पास एक क्विक ट्रिक है जिससे हम फौरी तौर पर उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 21 है, एक नंबर 53 ले लें, 55 ले लें, जो भी ले लें, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसका तरीकेकार क्या होगा, अब हम क्या करते हैं, पहले इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, एक को हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 एकम 3 आ गया, ठीक है। फिर दूसरा जो हमने हमने देखना है इसको इससे और इसको इससे, ठीक है, यानी 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। फिर हमने 1 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा, 5। 6 और 5 कितने हो गए, 11, ठीक है। 11 हमने यहाँ पर पूरा नहीं लगाना, बल्कि हमने क्या लगाना है, यहाँ पर 11 का 1 लगाना है, 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हासिल आ जाएगा, कैरी आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 10, और 1 इसमें हम क्या करेंगे, जमा कर लेंगे तो 1113, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक स्टेप में हमारे पास क्विकली इसका आंसर आ गया, ठीक है। नहीं समझ आया, दोबारा देखें, कोई और चीज देखते हैं, कोई एक नंबर ले लें, 14 को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी साथ, 32 के साथ, तो क्या तरीकेकार है, पहले हम क्या करेंगे, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आया, 8, ठीक है। फिर हम क्रॉस में देखेंगे, इसमें ये है ना, देखिए 1432, ठीक है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 एकम 2, 4 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 12, 12 और 2 हमारे पास कितना हो गया,
14, ठीक है, 14 का हमने क्या लगाया 4, एक हमारे पास क्या आ गया कैरी, ठीक है, फिर एक को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 करती 3 और एक ये कितना आ गया हमारे पास 4, ठीक है, ये 448 का हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब समझ आया। एक और नंबर देखिए, कोई बड़ा नंबर करके देखते हैं, लेट से 56 को मल्टीप्लाई करते हैं किसी 78 के साथ, तो पहला काम क्या करेंगे 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48, ठीक है, 48 क्या लगाएंगे 8, 4 हमारे पास क्या आ गया कैरी, ठीक है, फिर क्रॉस से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 42, इनको ऐड किया 4 तो 6, 4 4 8 कितना गया 86, 86 क्या लगा 6, ठीक है, 8 हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया कैरी, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 35, 35 और 8 43, ठीक है, 4368 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी पांचों ट्रिक जो है वो कंप्लीट हो गई। इनकी बार 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 प्रैक्टिस करना, इन्हीं नंबरों को बार बार रिपीट करके कोई और नंबर्स लें, उनकी रिपीटिशन करें, जब तक बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे मैथ्स नहीं आएगा। ठीक है, मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस से आता है, तो इनकी रिपीट करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने क्या क्या किया है और क्या क्या चीज़ आपको समझ आई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मज़ीद मालूमात के साथ आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।